चर्चित गोलीकांड के लपेटे में भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय। हम दोनों के बीच अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, या यूं कह ले कि जब भी वो ताकत में रहते हैं तब हमारे उनके अच्छे संबंध नहीं रह जाते हैं। गोलीकांड के आरोपी राणा अजीत का भाजपा विधायक पर पलटवार। यह पूरी घटना कहीं न कहीं घटना को देखने के बाद पूरे क्षेत्र में भी इस बात की चर्चा है कि प्रायोजित की गई। नरेंद्र तिवारी हत्याकांड को लेकर विधायक राजबाबू को घेरा। दबाव बनाकर जबरन नरेंद्र तिवारी से इन लोगों ने एक दरखास्त दिलवाई और उसमें ये लिखवाया कि राणा अजीत प्रताप सिंह से मुझे जानमाल का खतरा है, राणा अजीत प्रताप सिंह मेरी हत्या कराते। विधायक राजबाबू को बताया साजिश का सम्राट। तीर से कई शिकार करने का अभ्यास है पंडित राज प्रसाद उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की राहुल नगर बाजार एक बार फिर सुर्खियों में। भाजपा नेता राजेश सिंह पर बाइक सवार हमलावरों ने गोली क्या चलाई। सदर सीट से भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय और राणा अजीत सिंह आमने सामने आ गए। गोलीकांड से जहां सुल्तानपुर की सियासत धुआं धुआं है, वहीं पुलिस हैरान है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर की रात में राहुल नगर बाजार में सुल्तानपुर जनपद के जिला महामंत्री राजेश सिंह पर बाइक सवार दो बदमाश गोली चलाकर फरार हो गए थे। राजेश सिंह अपनी दुकान पर थे, दुकान में लगा कांच का गेट भी बंद था। गोलियों ने कांच के गेट से टकराकर दम तोड़ दिया, लिहाजा भाजपा नेता राजेश सिंह बाल बाल बच गए। लेकिन बवाल थमने के बजाय तब और बढ़ गया जब राजेश सिंह की तरफ से राणा अजीत सिंह और उनके बेटे को नामजद कर दिया गया। फिर क्या था, जौनपुर की शाहगंज सीट से 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके राणा अजीत सिंह फुल फॉर्म में आ गए और अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन सदर विधायक राजबाबू उपाध्याय का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मेरा नाम राणा अजीत प्रताप सिंह है, मैं ग्राम रतनपुर थाना अखंडनगर का निवासी हूँ। सदर विधायक पंडित राजप्रसाद उपाध्याय मेरे ही गांव के रहने वाले हैं, या मैं उनके गांव का रहने वाला हूँ। हम दोनों के बीच अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, या यूँ कह लें कि जब भी वो ताकत में रहते हैं तब हमारे उनके अच्छे संबंध नहीं रह जाते हैं, जब भी वो सामान्य रहते हैं तब हमारे उनके संबंध सामान्य हो जाते हैं। महोदय, 23 तारीख को अखंड नगर थाने में राहुल नगर बाजार में राजेश सिंह कुंडा भैरवपुर के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी प्रधान है, वो अपनी दुकान में रात को करीब 8 बजे बैठे रहते हैं और सड़क के इस पार से लगभग 20 मीटर की दूरी से एक बाइक आती है, दो लोग आते हैं और एक फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। इसमें इस घटना में राजेश सिंह ने मुझको और मेरे बेटे को मुलजिम बनाया है। महोदय, अगर कोई हत्या करने के लिए आता तो वह हत्या करने के लिए नज़दीक से, और वहाँ कोई था भी नहीं, दरवाज़ा खुलवा के अथवा नज़दीक से फायर करता। लेकिन यह पूरी घटना कहीं न कहीं घटना को देखने के बाद पूरे क्षेत्र में भी इस बात की चर्चा है कि प्रायोजित की गई, चाहे वो गनर लेने के लिए की गई हो, चाहे वो लाइसेंस बनवाने के लिए की गई हो, अथवा राजप्रसाद उपाध्याय जी हमेशा यह अवसर ढूंढते रहते हैं कि वो मुझे कहाँ परेशान कर पाए, इसके लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं कि 2013 में पसियापारा निवासी नरेंद्र तिवारी को लेकर राजप्रसाद उपाध्याय, बैजनाथ यादव, वंश बहादुर यादव, अशोक यादव, राधेकांत, ये सारे लोग, अंजनी तिवारी वहाँ पे स्टेशन अफसर थे, उनके पास गए और दबाव बनाकर जबरन
नरेंद्र तिवारी से इन लोगों ने एक दरखास्त दिलवाई और उसमें ये लिखवाया कि राणा अजीत प्रताप सिंह से मुझे जानमाल का खतरा है, राणा अजीत प्रताप सिंह मेरी हत्या कराते। आज यह हुआ है, कल को पता लगा कि राजेश सिंह की हत्या कर दी जाए और ये कह दिया जाए कि राणा अजीत प्रताप सिंह पहले से लगे हुए थे, उन्होंने ही मार दिया या उन्होंने ही मरवा दिया। इससे बचना चाहता हूँ, इससे भय लग रहा है, इसलिए पहले से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस घटना की पूरी जांच की जाए। मुझे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर पूरा भरोसा है। जैसा कि सुना और देखा आपने, राणा अजीत सिंह ने विधायक राजबाबू उपाध्याय पर जबरदस्त पलटवार किया है। साल 2013 में राहुल नगर बाजार में हुए नरेंद्र तिवारी हत्याकांड की याद ताजा की है। राणा अजीत की माने तो उनके साथ नरेंद्र तिवारी की हत्या में हुबहू राजेश सिंह पर हुए गोलीकांड की तरह साजिश की गई थी। पहले नरेंद्र तिवारी ने राणा अजीत के खिलाफ अखंड नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई और बाद में नरेंद्र तिवारी की हत्या करवाकर राणा अजीत और उनके भतीजे को हत्या का मुलजिम बना दिया गया। हालांकि पुलिस की विवेचना में राणा अजीत को क्लीन चिट मिली और असली हत्यारे जेल गए। आपको बता दें कि सुल्तानपुर की राहुल नगर वही बाजार है जो हमेशा हत्याओं को लेकर सुर्खियों में रहती है। 15 सालों में राहुल नगर में लगभग 10 हत्याएं हो चुकी हैं। अब फिर से राहुल नगर बाजार गोलीकांड को लेकर चर्चा में है और राजबाबू उपाध्याय और राणा अजीत सिंह आमने सामने है। हालांकि अभी तक विधायक राजबाबू उपाध्याय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुल्तानपुर का सियासी पारा गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।